हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैमरा सेटिंग के बारे में, जो कि बेसिकली मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। आप जब कोई ऐसी YouTube वीडियो शूट कर रहे हो तो आप 1080p में शूट करें, भले ही आपके कैमरे में 4K क्यों ना हो। मेरे कैमरे में 4K है, लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियो 1080p में ही शूट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन से फ्रेम रेट में अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं 1080p 25fps में अपनी सारी वीडियो मैं शूट करता हूँ, क्योंकि जितने भी आप हॉलीवुड मूवी देखते हो उसमें ज़्यादातर 24 या फिर 25 या फिर 30 पे ही वीडियो शूट करते हैं। लेकिन मैं 25fps में इसलिए शूट करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा मोशन ब्लर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप दोनों वीडियो में डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप 25 से लेके 50fps में भी शूट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी रिजल्ट तो आपके सामने ही है। आप दोनों वीडियो में डिफरेंस देख सकते हो कि कौन सी वीडियो कितनी अच्छी है। बेसिकली इसमें फेक लाइटिंग या फिर आप फेक ब्राइटनेस भी बोल सकते हो, तो इसका जो मेन काम है फेक ब्राइटनेस बढ़ाने का काम करता है। लेकिन आप इसे थोड़ा ध्यान से यूज करिए, क्योंकि आपकी जो रियल लाइटिंग है, अभी जैसे मेरी लाइटिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप ISO अपनी गेन करें, वरना आप वीडियो में बहुत सारे नॉइस देखने के लिए मिलेगा और तो कोई फ़ायदा नहीं है ISO बढ़ाने का। तो जितनी आपकी लाइटिंग है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम रख सकते हो कम रखो, क्योंकि जितना कम रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है। अगर आप ऐसी लाइटिंग में, मतलब इंडोर लाइटिंग में आप शूट कर रहे हो, तो मैं ज़्यादातर क्लाउडी अपना यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें एक मतलब कई सारे प्रीसेट दिए हैं, लेकिन उनमें से मैं क्लाउड वाला भी यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा फेस का जो कलर है वो अच्छे से खिल के आता है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मैं ऐसा अगर शूट करता हूँ, अगर आउटडोर में जाता हूँ तो मैं ज़्यादातर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि केल्विन तो अच्छा ही है, वो तो अलग ही मतलब एडवांस लेवल का काम है। बाकी जो आप ऑटो दे रखा है ना, आप ऑटो में जाइए, क्योंकि ऑटो में अगर फिक्स कर दोगे आप तो आपको कोई मतलब दिक्कतें नहीं आएंगी, वो अपने हिसाब से आपको कलर दे देगा, क्योंकि आजकल कैमरा बहुत एडवांस हो चुका है। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आपकी जो वीडियो है ना, ओवरऑल आपकी जो वीडियो है जितनी है, आप सेटिंग करो कुछ भी करो, इसमें ना मेन पर्पस आता है जो हम एडिटिंग में जाते हैं। तो पिक्चर प्रोफाइल बेसिकली क्या करता है, हम लोगों को कुछ प्रीसेट दे रखा है यहाँ पर, जैसे स्टैंडर्ड न्यूट्रल हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग आप शूट कर सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड में शूट करते हो तो आप लोगों को सेचुरेशन थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो आपका नेचुरल है ना, आप देख भी नहीं सकते, ऐसा सेचुरेशन वहाँ पर वो सेचुरेट करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता है आपका कैमरा। बाकी आप अगर न्यूट्रल में जाते हो तो न्यूट्रल में क्या होता है, हल्का सा फ्लैट प्रोफाइल आपके पास देखने के लिए मिलेगा रिजल्ट। उसके बाद आप जब एडिटिंग में जाओगे तो एडिटिंग के समय थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर भी स्टैंडर्ड शूट करें, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ अपनी वीडियो, ये तो मैं न्यूट्रल में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है थोड़ी सी डल्ट है, क्योंकि मैं अभी वॉल पेंट नहीं करवाया हूँ। जब करवा लूँगा तो मैं तब स्टैंडर्ड में ही शूट करूँगा, क्योंकि इतना तामझाम नहीं करना भाई अपने को। हल्का से देखो, हल्का से कट लगाए वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, और हल्का सा सेचुरेशन डाउन कम, लाइटिंग ऊपर नीचे किए, उस तक वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को YouTube में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि लॉक प्रोफाइल पे शूट करते हैं उनके कैमरे में, चलो ठीक है लॉक है, लेकिन भाई पे आप कोई मूवी शूटिंग नहीं कर रहे हो कि आप लॉक में जाओगे उसको कलर ग्रेडिंग करोगे फिर YouTube में अपलोड। आप नॉर्मली YouTube में अपलोड कर रहे हो तो एक आसान सा वे जाओ, क्योंकि आप बिगनर हो, YouTube स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक आसान सा रास्ता पकड़ो। पहले जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पहले हमको ABCD सीखने के लिए मिलता है, तो आप पहले कैमरे में जो प्रीसेट दे रखा है, मतलब बेसिक दे रखा है, उनमें जाइए, उसके बाद आप एडवांस में जाइए। धीरे धीरे आप अगर आगे बढ़ोगे तो अच्छे से आप अपने कैमरे को समझ सकते हो और आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आने वाला है। बस आज के लिए बस इतना ही, बस मेरे से जितना हो सका मैं उतना आप लोगों को अपनी जो पर्सनल सेटिंग है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो अगर मेरी सेटिंग अच्छी लगती है कैमरे की, तो आप भी अपने कैमरे पर जाइए और सेटिंग करिए और यूज करके देखिए। अगर अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक भी कर देना, और जाते जाते बस कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।